आदाब प्रणाम। साहित्य के पन्नों से हमारे इस अदबी सिलसिले की एक और कड़ी में हम आपका दिल इस्तकबाल करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। राहत कुरैशी, जो अदब की दुनिया में राहत इंदौरी के नाम से पहचाने गए, 10 जनवरी 1950 में एक कपड़ों के मिल वर्कर रिफतुल्ला कुरैशी के घर पैदा हुए। नूतन स्कूल इंदौर से स्कूल पास करने के बाद इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से 1973 में एमए उर्दू में पास किया। उन्हें बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल से नवाजा। 1975 में उन्हें भूज यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री मिली। उन्होंने थीसिस लिखी थी, उसका उन्वान था उर्दू में मुशायरा। 40-45 साल की उम्र से वो मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में शिरकत करने लगे। उन्होंने मुल्क अजीज के अलावा यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, मॉरिशस, सऊदी अरबिया, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में भी अपने शेरों की जोत जलाई। कोविड-19 ने जहां अदब और साहित्य के कई दिग्गज शायरों और लेखकों को हमसे छीन लिया, उनमें एक अहम नाम राहत साहब का भी है। 10 अगस्त 2020 में उन्हें अरबिंदो हॉस्पिटल इंदौर में एडमिट किया गया, जहां उनका हार्ट फेल होने के कारण 11 अगस्त 2020 में इंतकाल हो गया। ये सानहा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। उनका मिसरा बुलाती है मगर जाने का नहीं काफ़ी वायरल हुआ। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर 2020 के वैलेंटाइन वीक में बहुत पॉपुलर था। और किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये मिसरा भी बहुत मशहूर हुआ। 2016 में उनकी किताब मेरे बाद ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर दिल्ली ने रिलीज़ की। फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस का मशहूर गाना देख ले आंखों में आंखें डाल के देख ले राहत इंदौरी के ही कलम से निकला था। इस फिल्म के अलावा उन्होंने घातक, बेगम जान, इश्क, करीब, मीनाक्षी, मिशन कश्मीर, मर्डर, हमेशा, याराना, नाराज, खुददार, जन्म, सर, आशियां और मैं तेरा आशिक फिल्मों के गाने भी तहरीर किए। पिनक मोधा ने उनके इंतकाल पर ट्वीट किया था, उनके जाने की खबर सुन हम बहुत ही आहत थे, हमारे लिए मीर गालिब सब कुछ राहत थे। सामईन कराम, यूँ तो राहत इंदौरी के सारे ही शेर
लाजवाब हैं, लेकिन चंद शेर हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये अलग बात की खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां उरियां खंजर वंजर सब। जबां तो खोल नजर तो मिला जवाब तो दे, जबां तो खोल नजर तो मिला जवाब तो दे, मैं कितनी बार लूटा हूं मुझे हिसाब तो दे। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। न हम सफर न किसी हम नशीन से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। जनाजे पर मेरे लिख देना यारों, जनाजे पर मेरे लिख देना यारों, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। हमारे प्यारे हिंदुस्तान की, इस अजीम हिंदुस्तानी शायर को आइडिया जेनेटिक स्टूडियो अपने अदबी सिलसिले साहित्य के पन्नों से के इस एपिसोड में दिल की गहराइयों से खराजे अकीदत पेश करता है, श्रद्धांजलि।